Krishna, 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 Krish
हो जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की नमो भगवते प्रभो नमो भगवते वासुदे ओम शरौ आवतु शरौ भुनक्तु सेवीर्यं करवावहै तेजस्वि अधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की प्रभावित उपस्थित गीता अनुयायी मंडली माताओं में क्यों बुजुर्ग और बड़े नेक विचारशील आइए लीजिए बड़ी एकाग्रता एवं बड़े शौक के साथ इस 18वें अध्याय को एक बार फिर भगवान की शुभ एवं दिव्य प्रेरणा से श्रवण कीजिएगा। श्रवण मात्र में ही हमारे महापुरुष बहुत कल्याण समझते गए भगवान पर शक्ति भी दे रहे गए हम इसे अपने जीवन में डालेंगे अवश्य में अपनाएंगे। नौ प्रसंग चला हुआ है महाराज जी फरमा रहे थे अपना मत दे दी गए अर्जुन का प्रश्न में फिर दोहराता हुआ आगे बढ़ चलूं आपने हजूर दो मार्ग बदलाए ज्ञान वारिक और कर्म योग ये दोनों ही जो ज्ञान योग और कर्म योग बताए गए इस पर मैं और भी विस्तार पूर्वक आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान बता रहे कि कर्म के अंदर त्याग होता है देवी जरा एकांतर के साथ कर्म में त्याग किया जाता है इसका कर्म का नहीं बहुतों ने इसको भ्रांति में रह गए कि कर्म का त्याग कर्म को स्वरूप से छोड़ देते हैं हमारे भगवान इसको इस तरह से नौ देवियों नहीं मानते होना भी नामुमकिन है कर्म को स्वरूप से ही छोड़ना कर्म के अंदर जो विष है वो छोड़ देनी है कर्म में जहर क्या है स्वार्थता की इंसान की जो स्वार्थता रहती है वो उसे खराबी में डाल देती है। अब हमें समझ आ गई अपना भी रहेंगे भगवान हमें और शक्ति प्रदान करेंगे कर्म को अपना कर्तव्य समझते हुए सारे तो कर्म करने योग्य होते ही है कर्तव्य कर्म थोड़े से होते हैं आदि गति एक्शन बहुत थोड़े होते हैं जो करने योग्य होते हैं उसमें जीव अपने आप को लगाया भी है पर सिर्फ इतना है कि मैंने भगवान के नाम पर जहां भी भगवान जी ने मुझे और आपको रखा है बहुत अच्छा रखा भगवान के नाम पर हम किए जाएंगे ये भाव अपने मन में आप बिठा लेना कि प्रभु के नाम पर मुझे करना है ये बड़ा भारी त्याग भगवान कह रहे हैं जिस पर मैंने काफी रोशनी डाल दी। अब ये शक्ल बन जाती है यज्ञ की जैसे मैंने कल कहा था एक मामूली सा केरोसिन ऑयल अगर तरीके से टैंकी में डाल के मैं अपने स्टोव की और उसे पंपिंग कर दी जाए तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है कन्वर्टेड इनको गैस और गैस जो बड़ी शक्ति है इस तरह एक मामूली कर्म जब स्वाद छोड़ दिया जाए और भगवान के प्रेम में भर के किया जाता है तो कन्वर्टेड इनटू डिवाइन पावर उसमें एक दैवी शक्ति आ जाती है उस दैवी शक्ति के अंदर फिर वो उसका अपना समाज का कुटुंब का कल्याण ही कल्याण है। इसको मेरे महाराज ने शब्द भी अलग दे दिया यज्ञ अब इसको यज्ञ कहा एक ऑर्डिनरी कर्म को जैसे मैंने कहा था एक ऑर्डिनरी लोहा पड़ा होता है अगर हम वर्कशॉप में जाकर के उसकी कोई ऊर्जा बना देती है तो इसको शेप दे देती है सैकड़ों रुपए का होता है वो वरना वो धक्के का है जंग लगा हुआ है लोहे को कोई कलर नहीं है मैं टिकवाड़ी की दुकान पे पड़ा हुआ लेकिन उसको शेप दे दी आहा किस जगह फिट होगा और कितना उसका मूल्य होगा इसी तरह हाँ कर्म मामूली से कर्म उसमें एक संसार संसारिकता है धक्के खाएगा संसारिकता को हटाकर पारमार्थिकता ले आए अब वही कहीं ना कहीं बढ़ जाता उसकी शान कुछ और बन जाती है मेरे सजनों और देवियों जैसे आप समझ पा रहे हैं कर्म को दिव्य बन जाता है जब भगवान के प्रेम में भर के किया जाए और एक साथ साथ बात स्वार्थ को छोड़ दिया जाए कि स्वार्थ में नहीं मैंने करना बल्कि अपने महाराज जी के लिए मुझे अपने आप को जुटाना और लगाना जैसे हम कर रहे हैं मैं सिर्फ कर्म योग इसके आस पास से परिक्रमा करता है भगवान के फरमान के इर्द गिर्द परिक्रमा करेगा फकत मेरी खातिर तू हर काम कर जैसे हम महाराज जी किसी विग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं दोनों हाथ जोड़ते सिर झुकाते हुए और बड़ा पुण्य समझती है हमारे वैदिक धर्म के अनुसार बड़ा भारी पुण्य
द्वार काम कर, हवनदान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना वो मेरे लिए, तेरा तप से जीना वो मेरे लिए, तत्कृष्व मद अर्पणम, ये जो मद अर्पणम है वही से जीव के अहंकार भी गया, स्वार्थ भी गया, जो नाना प्रकार की वासना कामना थी वो भी गई, और जीव उन्नति दिन प्रतिदिन करने लगा, आंतरिक भी बाह्य भी। ये था यज्ञ की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, और भगवान ने ये चेतावनी हमें दे दी है। इसके अतिरिक्त अगर यज्ञ की भावना को छोड़ देती है कर्म तो करेंगे, भगवान का अच्छा बच्चे फिर बंधन ही बंधन है, फिर तो मैं आप बुला नहीं सकेंगे, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे तो बंद गया, बुरी तरह बंद गया, धन के अधीन हो जाएगा, मोह के अधीन हो जाएगा, वासनाओं के अधीन हो जाएगा, कामनाओं के अधीन हो जाएगा, और बहुत सी बुरी बातों के अधीन हो जाएगा। अगर वो इस दृष्टि से कर्म नहीं करे, सारे आदमी नहीं करते तो बंधन में उलझे हुए हैं, संकल्प विकल्प में है, हैरान है, परेशान है, अगर इस ट्रेंड को छोड़ देते हैं, भगवान द्वारा बताया गया इस भाव को छोड़ देते हैं बस, फिर हैरान और परेशान। लीजिए आगे बढ़े, भगवान हमें जरूर शक्ति देंगे, जिस प्रभु ने हमें फिर 18वें अध्याय सुनने का ये स्वर्ण सु अवसर प्रदान किया, वो हमें ये भी दिव्य शक्ति देंगे कि हम इसे अपनाते भी जाएं, कर्म तो करें, कर्म में दिव्यता ले आएंगे, कर्म में दिव्यता, कर्म हम कर लेंगे, अब हम सत्संग भी कर लेंगे, भगवान का सजाए भी कर लेंगे, जाप भी करके आए गए और भी शुभ कर्म भी किए है, बस फर्क महाराज जी के नाम हजूर के, उसको तप माना जाता है, जो महाराज जी के लिए किया जाता है वो यज्ञ हो जाता है, उसके अनेकों का लाभ होता है, अनेकों का लाभ, अपने लिए करना सिर्फ अपने तर्क बात ससीम रह जाती है, जब ससीम को छोड़कर भगवान जी को समय रखा वो असीम हो जाती है, बेकिनार हो जाती है, लामहदूद हो जाती है, उसे अनेकों का भला होने लगता है, अनेक लाभ अनुभव होने लगते हैं। सरकार इसको भगवान जी श्री गीता जी के अनेक श्लोकों में यज्ञ का नाम देते हैं, ये यज्ञ है, हमने जो सुना था यज्ञ वो हमने अपनी बुद्धि से निकाल दिए, वो यज्ञ नहीं जो महाराज जी अपने श्री मुख से कह रहे हैं मेरे और आपके लिए, ये यज्ञ है जिसे करना बहुत ही आसान है, और इसी से लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं, देवी और सज्जनों हम दोनों ही अपने बना लेती हैं महाराज जी की अपार कृपा से, ये नहीं छोड़ना किसी कीमत पर, यानी कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनी है, कर्म तो जीवन जीवन के अंतिम श्वास तक करना है, करना ही है, बात ही खत्म, करना है करना ही है, वो तो छोड़ नहीं सकता, इस बात महाराज ने स्पष्ट कहा है, अमल छोड़ देने तो उसके तमाम मुश्किल है तेरे बदन का क्या, शरीर नहीं रह सकता अगर हम कर्म छोड़ दे, कर्म हम उनमें नहीं है, कर्म करेंगे बस भावना बदलती, जो जैसे भगवान जी ने अपने श्रीमुख से सजनों और देवियों अपने श्रीमुख से बता दिए, बस भावना बदल के अब हम जुटेंगे लगेंगे पड़े आगे आगे ले चलूंगा। ये इसके बाद यज्ञ और दान, अब ये तीन कर्म भगवान करें, यज्ञ दान तपा क्रिया पावनानी मनीष नाम, यज्ञ और दान और तप तीन ऐसे कर्म है जिनको मेरे भगवान दोबारा कह रहे हैं, पीछे कह दिया है, विस्तार भी बड़ा किया भगवान ने, यज्ञ के बारे में तीसरा अध्याय चौथा अध्याय पांचवा अध्याय तीनों में बड़ा विस्तार किया भगवान ने, दान के बारे में भगवान ने जगह जगह विस्तार कर दिया है, दान की भगवान ने तीन किस्में बतलाई है, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण, तीन प्रकार का दान बड़ा विस्तार पूर्वक कहा है, तप तप भगवान ने तीन प्रकार का बताया, तप सिद्धि उठाता है कष्ट उसको तमोगुणी तप है, कामना वास्ते रख के जो तप है वो रजोगुणी तप है, भगवान के लिए जो किया जाता है उसको भगवान ने सत्वगुण से भरपूर तप कहा है। अब यहाँ पर फिर भगवान ने चर्चा चलाई, हमारी समझ में देरी और सजनों ये बात भली प्रकार आ गई कि यज्ञ कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, यज्ञ में कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, कर्म को यज्ञ की भावना करते हुए इससे क्या होगा, हमारा अंतःकरण सफा होगा, जनता का तो लाभ होगा ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ बात ये अपना भी लाभ है, व्यक्तिगत रूप में भी हम लाभ अनुमित होते हैं, व्यक्तिगत रूप यही व्यक्ति का समष्टि का तो लाभ है, व्यक्ति भी लाभ अनुमित हुए भी नहीं रह सकता, आगे बढ़ूंगा दान, अब हम दान को ले, इसी तरह भगवान कहते हैं जैसे यज्ञ को हमने समझ लिया कि हर मूल्य पर मैंने इसे करना है, चूंकि इसमें मेरा अंतःकरण निर्मल होता है और निर्मल अंतःकरण भगवान के दर्शन के योग्य बन जाता, इस तरह अब जो महाराज जी अपने श्रीमुख से बताया दान, दान हिंदू घराने में पैदा होने के कारण हम बचपन से ही वाकफकार है, अम्मा हमारी चुटकी भर छोटे से हथेली की छोटी सी चुटकी बना करके दिया करके कोई मांगने आया जा बेटे आप भी ले जाती अपनी और हमारे हाथ में ले बेटे इसके इसमें पल्ले में डाल दे, शुरू से ही हम लोगों का स्वभाव बनाया गया, दो रब ने दिया है कुछ देने दिलाने के लिए, आप भी आवाजें आती हैं दादी अम्मा की हाथ सोने ना लग दे दान बिना चाहे कितना चूड़ा पाइए, मुख सोने ना लग दे नाम बिना चाहे कितना संवर के बैठिए, ये अंग तभी अच्छे लगती है जब इनमें प्रभु की भावना भर ली जाए मेरी देवियों और सजनों। अब दान का मतलब अब ले हम दान, मैं स्वामी जी से शुरू करता हूं, दान इज इक्वल टू फर्ज की पहचान,
मेरे साथ शामिल रहना और मैं इस पर पूरा पूरा प्रकाश डालूं, इंसाफ कर सकूं। ये दूसरा गुण बड़े कमाल का, दान फर्ज की पहचान। दरअसल महापुरुष कहती है भगवान ने शब्द दान कहा है, यथार्थ रूप में देखा जाए तो दान नहीं है, ये फर्ज की पहचान है। कैसे फर्ज की पहचान? शुरू से जब हम अबोध थे या माँ के पेट से ले लो, जब हम माँ के पेट में आए तब से लेकर जब तक हम शरीर नहीं छोड़ते तब तक अनेक हमारी सेवा करते, अनेक गिनती को नहीं, कितनी गिनती करें, इस नष्ट होने वाले शरीर को रखने के लिए कितने जुटे हुए गए। पहले तो माँ कुर्बान हो गई, फिर बाप कुर्बान हो गया। हमारा कहावत अब तक भी चलती है, सोने दी इट गल्ले ते नर दा बच्चा पल्ले। इंसान का बच्चा आसानी से नहीं पलता, बाकी जिंदों के बच्चे तो पल जाते, लेकिन आप तो घर माँ है। मैं तो प्रसंग अनुसार कुछ बोल जरूर रहा हूँ, आपको अपना कठोर और ठोस अनुभव कि इंसान का बच्चा कैसी मुश्किल से पलता, सेहत आपको कुर्बानी करनी पड़ती है, बाप बेचारे को अपना धन पानी की तरह बहाना पड़ता, नाना प्रकार की बीमारी में से गुजरना पड़ता, तो बच्चा पल रहा, बच्चे की देखभाल कितनी मुश्किल से होती है, तब बच्चा पलता है। कितनी कुर्बानी की मां बाप ने, बहनों और भाइयों ने, जरा मैं प्रकाश डालता जा रहा हूँ। एक शरीर को पालने के लिए माँ कुर्बान, बाप की कमाई कुर्बान, बाप की अपनी कुर्बानी अलग, बहनों की कुर्बानी अलग, भाई की कुर्बानी अलग। आगे जनाब ने चलना सीखा, चलने के लिए कितने ने कुर्बानी की, आगे आपने पढ़ना सीखा, पढ़ने के लिए कितने ने कुर्बानी की, आप भली प्रकार जानते हैं। पढ़ाई में आज का तो खैर पानी का रुपया लगता है, हमारे वक्त था पर थोड़ा, तो पढ़ाई में भी बड़ी कमाई माँ बाप की लगी, फिर आगे ट्यूशन रखी गई। देख इंसान का बच्चा कमाने तक कितनों से सेवा लेता, करते चलाते इतना पढ़ा लगा बॉम कल जुटाल और उसके बाद कमाने काबल, कमाने के लिए भी क्या क्या नहीं करना पड़ा, इंसान कैसे कर रहा है, और उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ, फिर शादी का सवाल उठा, क्या क्या नहीं हुआ। मैं सिर्फ जरा रूपरेखा या आउटलाइन ड्रॉप किए जा रहा हूँ, शादी में चुटकी मार के तो नहीं हुई है, बहुत भारी कुर्बानी करनी पड़ी, एक देवी कहीं पली पलोसी बड़ी हुई और आपके लिए उसे सर्वस्व कुर्बान कर दिया, सारा धन जन अपना शरीर सब कुछ कुर्बान आपके लिए। कुर्बानी देखिए जरा, एक नारी कितनी कुर्बानी करती है आपकी आंतरिक और बाह्य वासनाओं की पूर्ति के लिए, बड़ी पूर्ति हो या ना, लेकिन वो बेचारी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। आगे बढ़िए, आगे जरा और निकलिए, आगे आपके बच्चे आपके शरीर को सुख देने के लिए क्या क्या करते हैं, आगे आपके मित्र यार दोस्त क्या क्या नहीं कुर्बानियां करते आपके लिए, आप उनके लिए करते हैं, वो आपके लिए करते हैं। ये तो मैं एक इंसान को ले रहा हूँ, आगे देखिए जरा आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए, देखिए कितने सूर्य देवता कुर्बानी कर रहा है या नहीं, पवन देवता कुर्बानी कर रहा है या नहीं, इंद्र देवता कुर्बानी कर रहा है या नहीं, धरती की उपज जो भगवती कहलाती है वसुंधरा के नाम से पुकारी जाती है, हाँ कितनी कुर्बानी करती है ये बेचारी, जल देवता ये जिसको हम वरुण बोलते हैं, जल का देवता का नाम है वरुण देवता, वरुण देवता कितनी कुर्बानी करता है। अब इन सारे देवी देवता के शरीर को हालत पता है, क्षण क्षण में शरीर इस तरह जा रहा है जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा है। अब इसमें कोई झूठ की बात है ही नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा के बात तो देवियों में कह ही रहा, जैसे पानी से भरी कटोरी उसे एक पतासा छोड़ दीजिएगा, हाँ धीरे धीरे करके घुलने लग जाएगा, एक डिजॉल्व होने लग जाएगा, शरीर भी हमारा दिन ब दिन डिजॉल्व होता जा रहा, भले हमें मालूम हो या ना हो लेकर जा रहा, लेकिन इस जाने वाले के लिए भी कितनी मेंटेनेंस में दरकार है और कितनी इसकी रक्षा की जा रही है, सिर्फ इसे बनाए रखने के लिए अलग मन नहीं रहा, पर फिर भी बनाए रखने के लिए क्या कितने देवी देवता कुर्बान, अपने रिश्तेदार कुर्बान, आपकी पत्नी कुर्बान, अपने बच्चे कुर्बान, अपने मित्रगण कुर्बान, कितने कुर्बान हो रही है, फिर कितने बुनकर, बुनकर बोलते हैं बढ़ाइयों को, बुनकर बनाने वाले कितना राज शब्द प्यारा शब्द है, बुनकर कितने बुनकर कपड़ा बुन 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 के आपके तन को ढांकते हैं, कितनी कितना कुछ होता है। अब ये सारी बातों को देखकर हाँ इन सारी बातों तब हम कमाने के काबिल बनते हैं, सेहत के लिए डॉक्टर को मानिया कर देंगे, हाँ इतना कुछ होने के बाद फिर हम कुछ कमाई करते हैं। अगर इतना घरवाली न करे, पवन देवता न करे, धरती भगवती न करे, रिश्तेदार हमें न करे, घर वाले हमें खुश न रखे, हमारा मन सीरियस लाइफ कमा भी सकते, हमारे अंग कुछ काम नहीं कर सकते, हमारे जोर जोर में दर्द हो जाएगा, हम किसी काबिल भी नहीं रहते अगर इतना सेवा न हो। अब हम मानते कोई ऐसा न हो चाहे नाश्ता भी क्यों ना हो, पर स्वीकार किए बिना रह नहीं सकता कि इतने कुर्बानियां करते हैं, तब जाके एक शरीर जब किसी काम का नहीं है पर वो चलता है, तब अब चलता है। हाँ अब भगवान ने क्या कहा, देख तेरे शरीर को रखने के लिए कितनों को मैंने प्रेरणा दी, माँ बाप बहन भाई ये सारा परिवार, मित्रगण सारा, फिर आप अध्यापक गण जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी बुद्धि की नाड़ियों का विकास किया, कितने आर्टिस्ट कलाकारों ने जो हमें सिखाया कमाने काबिल बनाया, फिर शादी शुदी आचारी एक लड़की
कुर्बान हो रही है आपके लिए, आगे बच्ची कुर्बान हुए जा रहे हैं आपके लिए, इतना कुछ हुआ। हाँ, अब क्या हमारा हमारे पर बड़ा भारी एहसान नहीं है अनेकों का? इसमें शक ही कोई, बड़ा भारी एहसान इस एक शरीर के ऊपर कितनों का एहसान आ जाता है। हाँ, और फिर आप हमारी बुद्धि का विकास हो गया, हमारे मन का विकास भी हो गया, हमारी फिजिकल बॉडी इसका विकास हो गया, हम कमाते भी हैं। हाँ, अब भगवान ने कहा इतनी नियामतें तुझे मैंने इतनी नियामतें दी, बुद्धि की नियामत, मन की नियामत, तन की नियामत, कमाने की कला, ये सब दे दी। हाँ, ये सारी कलाएं दी। तो अब जब हमारा धर्म आए तो भगवान कहते फिर अपनी ओर से लॉन्ग जंप लेनी चाहिए, लेके नियामत देता नहीं मैं, और आप कभी भुला नहीं सकते भगवान के ये रोमांचकारी शब्द, लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर गए। भगवान कहते मेरे नजरों में चोर है, मैं इसके तन को पालने के लिए इतनों को प्रेरणा देता रहा, अब जब इसकी बारी आई है, न किसी को सिखाता है, न किसी के धन से मदद करता है, न तन से मदद करता है, अब बुद्धि से मदद है, मन से मदद हाँ, शरीर से मदद हाँ, और अपने अपने धन से सहायता जी, मीठी वाणी से सहायता, मीठे व्यवहार से सहायता, अब अपना आया, अब हम समझ के इतने रिश्त पुष्ट हो चुकी है। तो भगवान कहते ऐसा निकम्मा गंदा जीव जब टाइम आए और खुद ना करे, तो भगवान ने कहा वो क्या है, लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर, चोर दूसरों कमाई पे नजर रखता, खुद नहीं खून पसीना एक करना चाहता। चोर हमारे यहाँ कहते हुए है, जो दूसरों की कमाई पर नजर रखे, खुद ना अपनी हड्डियां तोड़े, खुद अपने आप को न जुटाए न लगाए, वो सब कहते चोर है वो। भगवान बल्कि दो कदम और आगे बढ़ती है, हाँ वो पापी। भगवान कहते मेरे सिर वो पापी है, खुद अपनी खातर पकाए तो अपने पापों का भोजन वो खाए। हजूर कहते इतना कुछ चलाने के बाद फिर भी सेल्फ सेंटर्ड है, यानी अपने तक ही रहता। जैसे कि छोटी उम्र में आपने आपने बेटी आपने और आपने कुछ किए होंगे, लाठू घुमाए, एक लाठू लकड़ी का बना होता है, उस पर हम धागा लपेट करके एक धागा सिरा पकड़ते हैं और पकड़ के मारते जमीन के ऊपर, तो घूमता है लाठू अपने मैवर के इर्द गिर्द, पायलट के इर्द गिर्द खूब घूमता, बड़े खुश होते हैं, बड़े जोर का घूम रहा, बड़ा जोर का बच्चों को खेल लाठू चलाना। अब लाठू एक जगह घूम रहा है, नीचे एक लाठू का किल लगा होता है, उसी किल के इर्द घूम रहा है। तो ऐसे इंसानों को लाठू कहा गया जो सिर्फ अपने तक घूमते रहती है, उनको बोलते हैं लाठू है लाठू, सिर्फ अपने तक, जी और डिड्डा जी तू वहां पुत्र क्यों आती, जी और डिड्डा जी, जो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ सेंटर्ड मैन, सेल्फ सेंटर्ड मैन, यानी बिल्कुल ही अपने तक रहने वाले, स्वार्थी पल्ले दर्जे के, करवाई सेवा अनेकों से, जब प्रॉपर टाइम आता है करने का तो बस सुकड़ जाती है कछुए की तरह, आगे लगाते नहीं। भगवान कहते बड़ा गंदा है, समय आया और आगे बढ़ा नहीं, आगे लगा नहीं, जबकि मैंने इनकी बुद्धि का विकास अनेकों से करवाया, मन का विकास करवाया, तन का विकास करवाया, कलाकार से सेवा करवा के कमाना इसको सिखाया, डॉक्टरों से इसकी सेहत बनवाई, एक औरत इसको पत्नी के रूप में दे दी जो दिन रात इसके लिए कुर्बानी कर रही है, जुट रही है, अब जब इसकी बारी आई है तो बस उसको मेरे भगवान कहते चोर है वो, लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है मेरी शकी। अब मैं और आप जिनमें सत्वगुण की अधिकता प्रचुरता एवं प्रबलता है, हम सारों में सत्वगुण की प्रबलता है, और सत्वगुण प्रबलता के कारण से क्या हमारी बुद्धि हमारा मन हमारा तन अब भगवान की ओर झुक जाता, झुकाया नहीं जाता, झुका हुआ होता, क्योंकि जब प्रबलता हो सत्वगुण की कि हमें भगवान अच्छे लगते हैं तो हमें जहान नहीं अच्छा लगता, ये बात नहीं छोड़, जैसे उनको रजोगुणी जीवों को भगवान नहीं अच्छे लगते, उनको कच्चर काम नहीं कीर्ति अच्छे लगती है, उनको किसी ने पाठ उनके संस्कार जो अंदर है गुनो ही से फितरत के मजबूर, एक एक फरमान कभी समय निकाल कर सोचा करो, भगवान जी पर सोचो मेरे बच्चे बार बार, चिंतन को दो ही भले, चिंतन करने योग दो ही है, या हरि या हरिदास, चिंतन को दो ही भले, जब समय मिले तो चिंतन करने योग कौन होते हैं, या तो रब या रब के पहुंचे हुए प्यारे, चिंतन को दो ही भले, या हरि या हरिदास, सब संतन मिल निर्णय कियो, मथी पुराण इतिहास, पुराणों और इतिहासों को मत मत के संतों ने मीटिंग की और निर्णय किया, क्या निर्णय किया, चिंतन को दो ही भले, या हरि या हरि दास, जबान याद होना चाहिए सारों को, सब संतन मिल निर्णय कियो, ये पहली पंक्ति है दोहे की, संतन मिल निर्णय कियो, मथी पुराण इतिहास, पुराणों और इतिहासों को मत के, जैसे आप दही मत के मक्खन निकालते, उन्होंने शास्त्र मत के ये निर्णय निकाला, मेरी देवी और सजनों,
संतन मिल निर्णय क्यों मथी पुराण इतिहास क्या निर्णय किया भाई चिंतन को दो ही भरे। अगर चिंतन करना माने कि दो का होना चाहिए या हरि दास, या तो भगवान का चिंतन हो या भगवान के प्यारों का चिंतन होना चाहिए। अगर इसके अलावा चिंतन करेंगे तो क्या होगा, लगाए जो महसूस तो फिर देख लो ताल्लुक बड़े उनसे और लगन ताल्लुक से खाश को फिर जो खाश से गुस्से का दिल में फतूर बढ़ती 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 बैठ जाहिर हुई अकल आया समा नबत आ जाती है डाउनफॉल की इंसान की गिरावट आ जाती है। अगर भगवान और भगवान के प्यारों का चिंतन छोड़ता अपने भी गुजरी जिंदगी पर नजर डाल लीजिएगा और जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं जिनके पास न जाने पर भी कुछ व्यवहार करना पड़ता है उनका जीवन भी हमारी आंखों के सामने है। दे आर सफरिंग लाइक एनीथिंग इंटरनली एक्सटर्नली बोथ, शांति नहीं है बेचारे हैरान और परेशान है। बहुत सुंदर तो आइएगा आप इतनी बात जब हमें सुनते हैं मन में आता ठीक है हमारे में सप्तगुण की अधिकता है हाँ भगवान की ओर हमारा मन झुका हुआ है इसी कारण से भगवान ने हमें सत्संग दे दिया। ज्ञान गंगा हिमालय के नजदीक भगवान ने चला दी ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा चल रही है हमारे अपने संस्कारों पर। चल दे कितने जीवों के संस्कारों वो भगवान जो लाखों रुपया रजोगुनी जीवों के लिए सिनेमे बनाना नहीं भूलता वो भगवान जो तमोगुनी के लिए ठेके बनाता है शराबों के और कबाबों के और अपने अफीमों के और चर्च के वो भगवान सत्संग भवन ऐसे एकांत स्थान भी बनाना नहीं भूलता आप जैसे नेक जीवो। देखो उस भगवान की भगवान के निराले वाले काम में रब्बा कभी कौन आके नहीं दहेज कर। उस रब ने लखा रुपया लगा के सिनेमा हॉल बना लिए, उस रब ने लखा करोड़ रुपया लगा के अपने शराब खाने भी खुलवा लिए, उसी रब ने रब तो हर एक नहीं रब तो एक है उसी रब ने आप जैसी नेक देवी और नेक जीवों के लिए ऐसे स्थान शोभा देता था प्रकृति के गोद के अंदर आपका सत्संग भवन खुलवा दी। प्रकृति की गोद ये हमारी प्रकृति माँ की गोद है जिसमें आप बैठ के भगवान की वाणी सुन रहे ऐसा प्रतीत होता है माँ अपनी गोदी में लिए बैठी हो और भगवान अपनी वाणी सुना रहे हो हमारे कल्याण के लिए बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है। बच्चे है प्रकृति में गोद में आ गए और चुने हुए जीव ये नहीं किसने आपको मजबूर किया कि सत्संग में चलो ना आपके पूर्व के संस्कार जब जागे पूर्व के भाग लाख अपनी पत्नियों को मैं तुम्हें रोक दी नहीं तुम मेरे टोक देने मैं तुम रोक दे नहीं तुम मेरे टोक देने चल सीधी गाली खत्म की पत्नी को कहो संस्कार ही नहीं है सगी बहन को कहो तू जा बस तू गई कर बस तू एक तू तर जा हाथ डूबे चंगे उनके पास जवाब है कि तू तर जा आप डूबे चंगे। अब आप क्या बोले यहां तो रिश्ता खून का और है धर्म का रिश्ता और अब पूर्व के संस्कार भी तो चाहिए ना इसी तो भगवान ने कहा है जन्म पर जन्म लेके क्या भी जरूर पहुंच जाए आखिर तो मेरे अधूर वो तो खून के रिश्ते है ये तो आप ये देखो अपने आप आपके मन चुड़ाहट होती है अपने आप ही चुड़ाहट अपने आप ही अंदर पटरी क्या होता है कि सारा दिन तो गुजर गया ये कर वो कर ये बना अब ये भगवान का टाइम है जिंदगी सफल करे अपने आप ही देख लो वरना नारी चलो कौन मजबूर कर सकता है आपको अपने आप ही अगर ना घर वाले आने दे फिट के मर जाती हो सारा दिन नहीं है आपका काम करते सारा दिन क्या मुझे इतनी भी आगे नहीं कि मैं दो घंटे जाकर जल्दी जगह जा रही हूँ। अच्छा अगर मैं वहां न जाती आपको मजबूर की सिनेमा ले चलो मुझे बाघों में मैं कभी कहती हूँ मुझे बाघों में ले चलो मुझे सिनेमा ले चलो मुझे पार्क में ले चलो मुझे मैंने कभी कहा आपको उसने मुझे बंजोर गार्डन दिखाया कभी कहा नहीं कहा या मुझे पीछे घुमा कर सारा दिन बोर हो जाती हूँ करके काम करके ये वो करके बच्चे रोते रहती है हाँ तो आप दिल तो हर एक करते रहे आपको मैंने कभी खिलाफ देने गए कर मैं रोका नहीं फिर मुझे भी तो जान दो जब मेरी जवान अच्छा थी आखिर आपको मनाना पड़ता है ना कि सारा दिन करती हूँ मुझे दो मिनट जो चाहता है मैं आप भगवान के लिए कुछ करूं मैं अपने भगवान की वाणी सुनूं मुझे मौका दो ना अच्छा ठीक है कितनी मुश्किल आपको मनाना पड़ता है वो नहीं आते लेकिन फिर भी मना बना के आप आते हैं कि नहीं ये परमात्मा अवसर दे रहा ये परमात्मा आपको मौका दे रहे हैं जन्म जो भाग मेरी बच्ची आ जाती है वरना आपकी बड़ा जोबन क्या लगे और सत्संग क्या लगे और फिर गीता फिलॉसफी क्या लगे ये पूरे को कुछ नए कर्म आपके आगे है मेरे बच्चे वो नहीं कर्म आपको क्या कोई झूठ बोल कर ही आना पड़ता है कोई रस्ते में दोस्त मिल जाए भाई एक रसूड़ी काम बल्दे लेकर जा रहा हूँ फिर मैं आपको मिलूंगा अच्छा 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 क्षमा कर रहा ये देखिए झूठ भले और झूठ बोलने में भी झूठ नहीं माना जाता ये अपने शास्त्र पुराणों में आता है बच्चे मैं आपको भागवत पुराण बताऊंगा उसमें भगवान के लिए अगर स्वार्थ के लिए ना हो भगवान के लिए झूठ भी झूठ नहीं है क्योंकि आपको कोई स्वार्थ तो है नहीं ऐसे आप उनसे बचना चाहते हैं समय बच के चलो निकल आती है अब कोई जवान के जवानों को दिल करता कभी किसी और दोस्त को कभी नहीं आगे जा यार बड़ा ठगट बना फिरता है चल तो जब बातें भी ना करें पता लगे सत्संग में आते हो लेकिन आप कहते छोड़ो क्या लेने देना तुम अपने मस्त रहो हम अपने मस्त रहे ये अब पूर्व के संस्कार हर एक के पूर्व के संस्कार जब तक पूर्व के संस्कार ना जागे कोई किसी को नेक बना ही नहीं सकता
कोई किसी को मजबूर नहीं, अगर कोई मजबूर हो भी जाएगा किसी कहने पर दो दिन तीन दिन चार दिन उसके बाद दिल ही नहीं करेगा आपका आने का। यह है पूरब के संस्कार, उन्हीं पूरब संस्कारों में आप में प्रबलता होगी सत्व गुण की, सत्व गुण की प्रबलता के कारण से अब आपके लिए भगवान ने यह माहौल बनाया ओपन हॉल। ये भी हॉल ओपन है, करोड़ों रुपए विशक लगा लेना, सत्संग आपने बनाना है ये हॉल गीता भवन का विशक लगा लेना, लेकिन जो मजा आपको यहाँ आ रहा है वो अंदर नहीं है, जो प्रकृति के अंदर मजा है खुली हवाएं फिजाएं और बड़े प्रेम से मालिक ने ओपन हॉल खोला। कितना बाबे का पेड़ मोकला, मेरे रब का पेड़ मोकला, मोकला पेड़ आराम से बैठो, बड़े प्रेम से बैठो, लाइन तक जाके बैठो, वहां भी दिल करता है दरख्तों के ऊपर जाके बैठो, सब आपको आवाजें आएंगी, बड़े प्रेम से सुनेंगे, बहुत ही प्रेम से परमात्मा ने सारा आपके लिए मौका दे दिया, ये सब प्रभु ने प्रभु की कृपा से। अब हमें क्या कहा जा रहा है, हम लोगों को जिनमें सत्गुण की अधिकता है, इतनों के एहसान हुए कि नहीं, इतने लोग उपकार हमारे पे किए कि नहीं, जरूर। अब जब मौका लग गया करे, मेरी सुन लो आप, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूँ और आप भी भगवान के लाभ, जब मौका लग जाए मीठी जबान से किसी की सेवा कर सकते हैं, जरूर कर, वो जबान का दान है, मीठे शब्दों का दान सिर्फ रुपयों का नहीं होता। मैं बताऊं जो मैं अपने शास्त्र बताते, मैं आपकी झोली में डालता जाता हूँ, मीठी वाणी, मीठी वाणी के साथ अब दो कुछ ऐसी बात नहीं, बड़े भगवान खुश होती है, ना कुछ कोई गड़बड़ मची ना कुछ होता, करो हमारे कहावत चलती है क्या 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 क्या, ना कुछ दे है कोयल ना छीनी है कौवा, किसी को कोयल दे नहीं जाती, आपको कोई सोने का हार नहीं दे जाती, ना कौवा आपका कोई मुद्री छीन के ले जाता, ना कुछ दे है कोयल ना छीनी है कौवा, पर मीठी जबान के सब ऐसे ही था, हमें कितनी अच्छी कोयल लगती है कुछ देर पर मीठी जबान, भगवान बड़े प्रसन्न होती है, चार चांद लगा देती है बाघों के अंदर, अगर वो बाघ ही ऐसे नहीं है जिनमें कोयल ना बोले, और कोयल को कोई दावत भी नहीं दी जाती कि पत्र आप निमंत्रण देती है, ये वेडिंग कार्ड भेजते हैं, वही बात भी नहीं, जब भी माहौल ऐसा बनता है या वैसे वातावरण बन जाता है, वायुमंडल ऐसा बनता है, कोयल भागी भागी आ जाती है वहां पर, तो ये बड़ा अच्छा दान है जिसको भगवान ने वाणी का तप कहा है, मधुर वाणी के साथ व्यवहार करो। अच्छे भाई जी, अच्छे जी, अच्छा दो मिनट चार मिनट बाबर मीठी वाणी से, ये मधुर वाणी का दान, वाणी तो अनमोल है, ये कोई जाने बोल हृदय तराजू तोल के तब बाहर को, ये मैं और आप कर सकते हैं, मैं रजोगुणी जीवों को नहीं कह रहा, तमोगुणी जीवों कह रहा, मैं वार्तालाप उनसे हो रही है जिनमें सप्तगुण की प्रचुरता और प्रबलता, उनसे लेके समाज रूप में कुछ कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ कि हम वाणी का दान दिया करें, मधुर वाणी का दान, यदा समझाए हम 100 बार असफल हो जाए फिर प्रसाद करेंगे, कहना है वाणी का दान सबको देना, यानी मधुर वाणी का व्यवहार सबके साथ करना। इसके बाद आगे आइए, नंबर 2, आपके भगवान ने बुद्धि दी रखी है, हाँ आपके पास अच्छी अच्छी जानकारियां है, कुछ कला है, दो कला का दान दो, दिन गुजरते जा रही है, शरीर काबिल नहीं रहेगा, जो दिन चढ़ता है हमें बुढ़ापे की ओर लिए जा रहा और काल नीचे निकट आ रहा है, भगवान कहती है इतने तुझे दिया है तू भी देखे जा, बहुत अच्छे कुछ कला है देखे जाओ, शरीर चला जाना, भगवान बड़े खुश जाएंगे, बड़े प्रसन्न है जानता हूँ, प्रभु बड़े खुश होती है, जो भले कर्म किए और उसमें जो कुछ दे दिया वो भगवान कहते मेरी जात में मिलना चाहते हैं,
अमृत के लुकमी जो यक्ष ही बची उन्हें खाने वाले खुदा मीर, बहुत कमाल का। यह हम अपने दिल की पट्टी पे लिख ले कि ये वो मालिक के नजदीक पहुंच रहे हैं जो दूसरों के काम आते जा रहे हैं। और फिर वो फरमान पांचवी और बारहवें अध्याय का मैं बुला ना पाऊंगा और आप भी कभी नहीं बुला सकते। सबकी भलाई में कहा सर्वभूत के रहता, सर्वभूत सर्व मैंने सब, भूत मैंने प्राणी, हित हित में रहता मैंने तलीन, सबकी सब प्राणियों की भलाई में जो तलीन है, सबकी भलाई में जो लग गई है या लग गया है, भगवान को बड़े प्यार लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं उनको, भाई इसने करवाई भी है कर गया है। कितने अनेक कुछ मैंने कहा हमारे शरीर हमारी बुद्धि हमारा मन हमारा तन मेंटेन तब हो रहा है जब अनेक सेवा कर रही है। अभी जरा वायु ना चले जान जाती है, पानी खुला माला में नहीं मिलता, सैकड़ों वर्ष गुजर गए, इर्द गिर्द सब इलाके तरक्की कर गए, अब माला ने पता नहीं क्या रब दी मार है, एक मार है कि पानी नहीं खुला, लोग तरक्की नहीं कर रहे। और जितना गंदा अंबाला नगर है आपके अखबारों में छपा है, कोई भी ऐसा मस्त पॉसिबल गंदा नगर कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नगर, बल्कि इस नगर वाले सारे रूट के कहीं चले जाने चाहिए, नई आबादी बनाए, सारे बरसात का गंदा पानी इसके अंदर, सारी मूच गली इसके अंदर, टट्टी गलियां इसके अंदर, सारे अभी बरसात आएगी हरिजन साफ करके बीच में नाली में चले जाएंगे, चल मजा गंद आपका उठा के कई बार फेंकते ना, बरसात में सब अंदर जा रहा है, सब बीमारियां अंदर, सब गंदमंद अंदर, ये अंबाला गंदी गंद गंदी गंद गंदी गंद, जिस तरह आप चारों ओर देखते जा रही है आह कैसे गंद। अब भगवान के एक भगवान अपने शुरू से क्या कहना चाहती है, जुट गया है जो किसी न किसी तरीके से सेवा में अपने आप को लगा बैठा, किसी जितनी तौफीक दिया भगवान ने, जितनी भगवान ने क्षमता में दी रखी है, अपने आप को जुटा देना लगा देना, जितना बन पड़े जितना हो सके लगाई जाना, ये इसको भगवान कहते हैं दान। शब्द उनका दान में दान ही होगा, लेकिन है गुरुदेव के शब्दों में फर्ज की पहचान, यथार्थ में देखा जाए तो ये दान नहीं है, ये तो फर्ज की पहचान है, ये तो अपने कर्तव्य के रियलाइज किया जा रहा है, अपने कर्तव्य का एहसास किया जा रहा है, हम अपने कर्तव्य की पहचान करके मेरा भी तो कर्तव्य है, जब इतना कुछ करवाया है तो नाउ इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी कि मैं उसके लिए कुछ जुटा दूं लगा दूं, वरना भगवान के दरबार में कभी भी मैं क्या होगा सुरखरू नहीं हो सकता। हाय आहा मालक के रूबरू कभी सुरखरू ना हो, देखिए सिर गीत गाती है, मालक के रूबरू वो कभी सुरखरू ना हो, वो कभी सुरखरू नहीं होता। और गीता के पंद्रह अध्याय के अनुसार फराए से अपने सुबक दोष, वो सुबक दोष होके जाते हैं, कृत्य कृत्य होके जाते हैं, मन में बिठा लीजिएगा ये मेरे मालिक ने दिया मैं कुछ देता हूँ, मेरे मालिक ने मुझे अच्छे विचार दिए विचार देता जाओ, मेरे मालिक ने मुझे धन दिया अधिकारियों के पल्ले लगाता जाओ, वो धन है उनका, अभी हमारे हार्ट फेल हो जाए सब छोड़ छोड़ के निकल जाती है, उसके बाद तो दुरुपयोग होता ही है। अपने मन को अच्छे से समझा ले जो खा जाएगा या ना दे जाएगा, अपने मन को समझा ले, इनको भगवान ने बहुत धन दे रखा, जो खा जाएगा या ना दे जाएगा वो छाती पे धर के ना ले जाएगा, छाती पे धर के तो आज तक कोई नहीं ले गया, या तो खा जाओ हाँ या अनेकों के काम लगा जाओ, खाओ भी सही अनेकों के काम भी लगा दो, बड़ा अच्छा। भगवान ने मुझे सबसे उत्तम दान होता है ज्ञान का, जो भगवान ने मुझे बख्शा, मेरा धर्म है ब्राह्मण के नाते से, भगवान के भक्त के नाते से, साधु के नाते से, मेरा परम कर्तव्य हो जाता है आपको दूं, परम कर्तव्य कि जो भगवान ने आपकी अपेक्षा मेरी बुद्धि में ज्यादा डाला है आपको दूं, वो ज्ञान चोटी का दान ही माना जाता है, ज्ञान का दान बड़ी चोटी का दान ये दिया जाए अधिकारी को। और ये भी शुक्र है ये मेरे रो के भगवान से कहे थे, जो भगवान आप ये आप खुद कर रहे हैं कि भगवान आपने ये शर्त लगा दी है, ये राज उससे मत कहे जो आबद ना हो, जो जायद ना हो, ना उससे जो बदबा नुकता, क्या हमें क्या पता लगे, अगर मैं नगर नगर घूमता प्रचार करता जैसे आम करते हैं तो मेरे मन में ये चूर रहता, मुझे क्या पता ये अधिकारी है या नहीं है, मैं जगह जान ये मेरे रोग भगवान, भगवान अगर प्रचार करवाना है तो मुझे नगर नगर की खाक नहीं छिनवानी, फिर ये आप करते मुझे कांधे बिठा के आप चुन चुन के बिल्ली की तरह ले आना, जो अधिकारी हो इतना काम आप करना बाकी करूंगा मैं, ये आपके भगवान जी चुनने में बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूँ, महाराज जी चुन चुन के आपको ला रही हूँ, जो भी अधिकारी है जो अधिकारी चारों ओर से भगवान को पेड़ो उनको पट लाती है, पट के मारती है, पटो उठो 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 उठो, ये समय आपका भगवान आप हमारी सुनने का है, महाराज जी कर रहे हैं मुझे एक जगह बैठा दिया, पर मेरे काट दिए कि उड़े नहीं, एक जगह बैठा दिया और लो भी अपना कल्याण, ये चोटी का ज्ञान जो आप कभी मांगा होगा भगवान से आपने, ऐसे तो नहीं मिलता ये ज्ञान गंगा आपके जो निकट चल रही है बारह महीने, तो महाराज जी क्या पार कृपा से ये बड़ा चोटी का दार मान लेते, इससे नाना प्रकार के क्लेश खत्म होती है, मुसीबतें खत्म होती, किसको धन दोगे मुसीबतों खत्म नहीं सकती, कुछ समय उनका अच्छा कट जाएगा, वस्त्र दोगे कुछ समय अच्छा कट जाएगा, देखो जरा कितना फर्क है, अन्न दोगे कुछ समय अच्छा कट जाएगा,
मीठी जबान दोगे वो समय उनका अच्छा कट जाएगा, अच्छा व्यवहार दोगे आपके गुण गाते रहेंगे उनको जरा ठंड पहुंचेगी, लेकिन हमेशा के लिए कलेश दूर हो जाए आदि जाति उपाधि को तो ज्ञान के बिना जाते ही, वो तो बच्चे ज्ञान के बिना नहीं जाते, ज्ञान आए समझ आए बुद्धि पलटे विचार पलटे कर्म पलटे और जीव अंतर्मुखी हो मालिक के नजदीक पहुंचे तब कहीं जाकर के सदा के लिए जाओ से करके लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीजे भारी की दौलत मिले या पाशे को काटती दूध गिठिया सच्ची पास जाओ ए मल जन्म जन्म दी कटी है ये मल जन्म जन्म दी कटी है तो गुसाई जी अपनी जगह झूम रहे गए आहा अपनी जगह क्या कमाल की जा रही है क्या 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 सनमुख वाए जीव मई जबाई सनमुख जब ये जीव लक्ष्मण मेरे सनमुख हो जाता है साधारण शब्द है बिल्कुल सनमुख मेरे दू मधु हो जाता है सनमुख वाए जीव मई जबाई जन्म कोटि अघ ना सही तब ही करोड़ों जन्मों के आप कहते पाप को तब जाके जीव के खत्म हो जाते जन्म कोटि अघ ना सही तब ही उसी समय करोड़ों जन्मों के गंदे संस्कार धुल जाती है कब क्या कब कब क्या सर्व खोए जीव मोहि जब जब जीव मालिक की ड्यूटी का दान माना जाता है ब्रह्म विद्या का दान अगर भगवान किसी को तौफीक दे पर भगवान देते बहुत कम को ये तौफीक है ब्रह्म विद्या बांटने का दान की तौफीक खास करके आजकल की घोर कलयुग समय के अंदर बहुत कम ब्राह्मण भी ऐसे उलझे कि उनको ब्राह्मण कहना भी मेरी नजरिया में माँ बाप कहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने ब्राह्मण सो जो भगवान की ओर बड़े लगे अपने आप को तलीन करे वो तो बात ही खत्म हो गई कलयुग ने ऐसी मत मार के रख दी और दूसरों को भगवान प्रेरणा दी वो मैं देख ही रही वो बहुत कम जी भगवान ने यह संयोग जुटा दिया लगा दिया कि ब्रह्म विद्या का दान आपको मिल रहा है आप कहेंगे हमारे पर बोझ नहीं भगवान कहते बोझ किस सूरत में होगा अगर आप अपनाए नहीं ये ऋण माना जाता है इसमें कोई शक नहीं ऋषि ऋण लेकिन ऋण को ऋण हो जाते हैं जब हम अपनाने में लगते हैं तो यार जिनको भगवान प्रेरणा दे के भेज रहे हैं तो अपनाने में लगे होंगे जिनको मेरे मालिक सिलेक्ट कर रहे हैं यू आर सिलेक्टेड बाय ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा तो वो आपको सर कहते आप अपनाने में तो आपका मन मानेंगे नहीं ये तो मैंने अपनाना आपने जीवन में उतारना क्या कुछ भी क्यों ना हो जाए ये तो मैंने डाल नहीं तो फिर वो ऋण नहीं माना जाता या भगवान की वाणी को सुनने के बाद अपने एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट कर लिया जाए बस वो क्या होता है उरेन हो गया रेल से उरेन भगवान की बड़ी कृपा ये ब्रह्म विद्या का दान मुझे और आपको मिल पा रहा है भगवान की कृपा से उसके बाद जो बाकी दान नंबर टू नंबर थ्री फोर पे आज गिने जाते हैं कला का दान दिया आटे का दान दिया मीठी जबान का दान दिया मीठे व्यवहार का दान दिया भूमि का दान दिया स्वर्ण का दान दिया कन्या का दान दिया ये बस ब्रह्म विद्या के नीचे माने जाते हैं जितने भी दान समाज में आजकल के आप करते भी हैं टाइम टाइम जो है भगवान आपको बिना देख करवा रहे हैं तो भगवान कहते अरे भाई अब देखिए जरा हाँ अगर ब्रह्म विद्या भगवान इसकी बुद्धि से दिलवा रहे गए अनेकों का लाभ हुआ हाँ अनेकों के लाभ जी का इसका लाभ नहीं होगा जब सैकड़ों का लाभ होना है हाँ तो जब हवा चारों ओर ऑक्सीजन शुद्ध वायु चल रही है हाँ तो वहां क्या मैं शुद्ध वायु मिल दूंगा जरूर इसी तरह जब अनेकों को ज्ञान मिल रहा है तो देने वाले की सेहत से बड़ा कल्याण उसका तो होता ही है ये देखिए जरा एक बार यानी जो आप धन दिया अनेकों का लाभ हुआ हाँ आपका अंतकरण का भी लाभ साथ ही साथ आपका भी लाभ इस तरह अनेकों का लाभ में आपका लाभ होगा भगवान कहते जैसे यज्ञ का कर्म छोड़ने योग नहीं है इस तरह दान का कर्म भी छोड़ने योग नहीं क्योंकि इससे फिर फौर अंतःकरण की क्या सफाई होती है अंतःकरण निर्मल होता है अंतःकरण निर्मल करने का दूसरा साधन घर में भी तीन साधन होते हैं या तो खुला पानी या तो दो दो सारे कमरे और आंगन हाँ अगर नहीं खुला पानी तो फिर पोछा लगा लो हाँ अगर पोछा भी नहीं तो झाड़ू मारो तीन ही तरीके हैं या तो पानी में फिनाइल डाल के पोछे लगा दो डिटोल डाल दो पोछे लगा दो अगर वो नहीं खुला पानी है तो धो दो या तो झाड़ू लो झाड़ू भी तीले वाले नहीं छोटी सी जूड़ी इतनी सी जूड़ी ले लो वो लेके रगड़ते जाओ सफा होता जाएगा सीधी बात हाँ अगर वो नहीं तो फिर आजकल के पुरुष बन गए हैं फिर वो जैसे आपने पीजीआई में देखे होंगे यो पकड़ा नीचे ना बैठो फर्र करके निकल जाए पर वो अगर घर में फर्श है आपकी शानदार बने हुए हैं तब तो तीन तरीके हो गए इधर भी तीन तरीके हैं अपने अंतःकरण को साफ करने के यज्ञ जो भगवान ने बताया अब जो चर्चा चलवा रही है दान जिससे अनेकों का कल्याण तुर्त दान हमारे हिंदू धर्म में अब तक हो जाता है तुर्त दान महाकल्याण असंभव बातें भी संभव हो जाती है दान से असंभव बातें भी संभव ये आप
मैं अपनी जगह लगा रहा हूँ कि भगवान ने मुझे ब्रह्म विद्या दिया, मैं थूक के भाव आपको देता रहा, चलो जान से आपकी सेवा करता रहा। भगवान मेरे बड़े खुश, आपको भगवान ने अन्न धन इत्यादि बहुत कुछ दिया है, अधिकारी तक पहुंचाते रहिए, भगवान आप पे बड़े खुश, क्योंकि जो तौफीक भगवान ने जिसको दी है वो मालिक के नाम से दी, क्या होगा अंतकरण से भाव जाएगा, अंतकरण अंदर से निर्मल होने लग जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं, और हम चाहते भी क्या है, यही सफाई करो खूब झट के। सफाई के बाद बस मैंने कई बार कहा, खुदा सफाई पारसाई के दूसरे दर्जा पर कभी भूला, भगवान के दूसरे दर्जे पर क्या है सफाई, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू वर्ल्डलीनेस। अब ये दूसरा तरीका बड़ा अच्छा, भगवान तो फिक्र ना अपने धन ना सही, भगवान उम्मीद रखते हैं धन दो नहीं जाए तो ना सही, ये बहुत चीज मीठी जबान तो है, ये बोल दो मीठा व्यवहार तो ले सकते हो, वेरी गुड, कोई शारीरिक सेवा तो कर सकते हो, वेरी गुड, अच्छे विचार आपको यहाँ मिलते हैं, किसी को दे नहीं सकते क्यों नहीं, आपके इरादे बड़े पवित्र बन गए, ये इरादे आप दूसरे को नहीं, वेरी गुड, ये तो दान ही माना जाता है, ये भी तो आपका कल्याण ही है मेरे बच्चे, अपनी जेब खर्चा छोड़ दो, जेब खर्चा छोड़ कर जो अधिकारी उनकी सेवा कर लो, अपने पर कुर्बानी कर लो, निकालो जब भगवान जब महाराज जी कह रहे हैं मैं दान में बड़ा खुश होता हूँ, हाँ हाँ ये तो हम लिए परम कर्तव्य, अगर भगवान मेरे लिए वो ये कहती है कि जा मेरा भक्त होकर ऐसो नियाज जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राजपुनी सर्रे आली, ये चोटी का उपदेश सिखा जाएगा वो बेशक मेरा फसल पा जाए, भगवान मेरे लिए आपके लिए कहती है, जो हकदार हो उसे खिदमत न ले, हा हा मुनासिब हो वक्त और वजू हो मकाम उन्हें दे जाके जुटे लगे, आपके लिए भगवान क्यों कहती है कि मेरा कर्तव्य है ये मुझे देना ही है, जब मालिक है मेरे पास बड़ा आसान तो दातव्यम, माशाल्लाह लगाया भगवान ने सतमी दान कर दिया, दातव्यम मीटेड बाय प्रमाण ड्यूटी देना ही है, ये तो मेरा कर्तव्य है, जब अनेकों ने मेरे पर इतने बड़े उपकार किए हैं तो अब मेरा कर्तव्य है, शाबाश बड़े प्रसन्न भगवान, इसे अंत का निर्मल तो दान की क्रिया को भी नहीं छोड़नी चाहिए, कर भी रहे आप, लेकिन प्रसंग भगवान चला रहे गए कि 18वें अध्याय का चला हुआ है, अब मरते वक्त अगर हम ये सुने क्या करें, अब जब हो शाबाश कैम कुछ अवशेष जीवन के दिन है, अब हम कुछ करें ना, हमारे से अब बनेगा, अब हम रियलाइज करेंगे हमारे में आएगा, अब यहाँ बैठे हुए हमें में एहसास पैदा हो जाता है, एहसास का मादा प्रभु की अपार कृपा से उत्पन्न होता है, और कुछ ही विदौत पर आ गया और जुट जाती है और लग जाती है, जुटती रहो देखती रहो कि मैं कुछ और सेवा करूँ, जब मेरे भगवान दान से खुश होती है मैं अपनी शुभ वाणी का दान दूँ, अच्छे इरादे का दान दूँ, अच्छे विचारों का दान दूँ, धन अधिकारियों के हवाले करूँ, उनको किसी को आटा ले दूँ, किसी को कपड़े ले दूँ, किसी को जूता सिला दूँ, किसी को कुछ कर दूँ, गरीब बच्चों को जाके स्कूलों में मदद करूँ, किसी के डॉक्टर के पास जाके, मरीज ऐसी होती है जो बेचारे बस ऐसे ही होते हैं अनाथ मरीज होते हैं, उनकी किसी न किसी रूप में सेवा कर, बस बड़ा खुश मेरे मालिक बड़े खुश, आहा दे धरे का गुण है, दे दे कुछ दे दे छूट जाएगी कौन कहेगा दे, जब प्राण पखेरु उड़ गया फिर किसने क्या कह रहा है कि बुरी तू ये कर वो कर या तू ये न करो, जब तक है जब तक मालिक ने दिया है जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनेकों ने दिया, अनेकों ने जैसे मैंने आपसे कहा आपको देने में कितनों का हाथ है, कितनों का हाथ शरीर के बनाने में कितनों का हाथ, इस त्रिदान की क्रिया जब भी मौका लग जाए, हमारे यहाँ धर्म में एक चलता है श्लोक शुभस्य शीघ्रम, अगर कोई काम शुभ है सारे काम छोड़ दो उसको पहले, छोटी सी पंक्ति सूत्र वाक्य है शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य अगर कोई शुभ काम है शीघ्रम वही कर ले, सब छोड़ दे लीव असाइड ऑल अदर एक्टिविटीज एक तरफ छोड़ दो, और जो शुभ है उसको धीरे धीरे हम कर गुजरे, फिर ये अवसर आए ना आए फिर शायद मन माने या ना माने, अब तो अवसर आया हुआ है मन भी मान रहा है तो मैं क्यों ना लॉन्ग जंप ले लूं और ये कर डालूं, शाबाश क्यों ना मैं कहूं कि ये मैंने करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए ये तो मेरे द्वारा हो ही जाना चाहिए, ये दान जरूर है हमारे में, ये नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ पर, लेकिन भगवान का प्रसंग चला हुआ है हमारे में और बात ये दर्शेगी, हमारे अंदर और बात ये बैठेगी, मेरा कर्तव्य है आज के बाद मैं अपनी मधुर वाणी से व्यवहार करूं, आज के बाद मेरा मेल मिलाप वो मधुर होना चाहिए, शाबाश आज के बाद मैं कुछ और सेवा जितनी मेरे से बन पड़ता है मैं कुछ और सेवा कर डालूं, मैं कुछ और जो मेरे से बन सकता है मैं कुछ और करूं, मैं और जुट जाऊं और लग जाऊं, जितना मेरे से बन पड़े जितना मेरे से बन सके, ये शरीर तो जा रहा पर भगवान जी जिनको मैं खुश करके जाना चाहती हूँ, प्रभु जी जिनको मैं प्रसन्न करके जाना चाहता हूँ, वो जब प्रसन्न होती है तो मेरा परम कर्तव्य है मैं कुछ जुट जाऊं मैं कुछ लगूं, आहा जब भगवान खुश होती है हम कर क्या रहे, कभी माँ को कुछ करते हैं, कभी पिताजी को कुछ करते हैं, कभी श्रीमान को, कभी श्रीमती को, कभी आप मित्र मुंह मुला से समय चलता मुंह मुलाजे से खुश होते रहती है, तो क्यों ना आप मैं और आप भगवान के मुलाजी हो जाए, महाराज जी खुश करेंगे, भगवान क्यों कहते हैं बस अब मुझे ऐसा करना,
अब मेरे मालिक जब इस तरह खुश होते हैं बस मुझे उन्हीं को खुश करना, जब वो यज्ञ से खुश होते हैं मेरे यज्ञ करने हैं, यज्ञ में कार्य करने हैं, अब जो दान से खुश होती है तो मैं, अब ये तो दान तो भगवान कह रही है तो एहसान फर्ज की पहचान वो मैंने जरूर अदा करना, जितना मुझसे बन पड़ेगा हो जितना मुझसे मैं लॉन्ग जंप लेके करूंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगी। और हमने ये समझे धन का दान नहीं, हमारे हिंदू धर्म इसके बड़े व्यापक अर्थ लेता है। शुद्ध बुद्धि है तो शुद्ध बुद्धि दूसरों को दो, नीति उतरा शुभ विचार है तो दूसरों को दो, अच्छी रिश्त पुष्ट है आप, सेहत अच्छी है शरीर द्वारा माँ बाप की इर्द गिर्द की सेवा करने में लग जाओ, ऐसे स्थानों में आके सेवा ही करो, खुद जितना बन पड़े पूछो मेरे जैसों से कोई होती कोई सेवा हमें बताइए हम कुछ करें। ये जब तक प्राण पखेरू उड़े नहीं, जब तक हम चार पाई पर बीमारी कारण से लेट नहीं जाते, ये बुखार नहीं चढ़ जाता, जब तक हमारे में सेहत है, फकीर ने अपनी बराक्षत में कहा है हाँ जब तक सब कुछ तौफीक है कुछ कर ले, वरना घर में आग लगने पर कुएं खोदने से कुछ नहीं बनेगा। बड़ा गलत कौन सा दृष्टांत है, घर में आग लगने पर कुएं खोदने से क्या बनेगा, कुआं खोदू घर की आग बुझाऊ से घर तो सड़ जाएगा। इसलिए जब तक तेरी सेहत खराब नहीं हुई, तुझे अधरंग नहीं हुआ या कोई और गड़बड़ नहीं मची या कोई और रोग नहीं लग गया, अस्पतालों में गलने सड़ने नहीं लग गया, जब तक तू तेरा अंग अंग ठीक है तब कर कर कुछ कर, वरना घर को आग लगने पर कुआं खोदने से क्या हासिल होगा। बीमारियां लग गई, बुद्धि खराब हो गई, बोला जाता नहीं, क्या करेंगे, अब जितना हो सकता है हम कर ले। चुप आप क्यों, भगवान जो खुश होते हैं जी बात, अभी आपने ये सब्जी क्यों बनाई है, आप जो खुश होके खाते हैं, कितना अच्छा जवाब है। आप जो अम्मा तूने क्या बनाया, तो तू जो भरता खुश होकर खाता है, तूने भरता बनाया आपने, मैंने गंगा जमनी दाल बनाई, क्यों आप जो खुश होकर खाते हैं, ये घरों में आम चलता है, आम चलता है, आप ही आ गए, आपने जो पात्र में लिखा कहते हैं आपका आना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको खुश करने आ गया, कहां दिल्ली कहां बाला, इतने घंटे का सफर आपने चक्कर काटा, आप जो खुश होते हैं शाबाश, जगह जगह देखो गली मोहल्ले में भी, इर्द गिर्द में भी, रिश्तेदारों में भी, हाँ इस तरह आप मैं ये ले ले, मेरे भगवान जो खुश होते हैं मुझे ये भले कर्म करने, जैसे मैंने बिठा लिया मेरे प्रभु जो खुश होते हैं, मेरे मालिक जो कह रही है कि दान कर्म नहीं छोड़ना, इससे तेरा अंतःकरण निर्मल होगा और निर्मल अंतःकरण मेरे दर्शनों का अधिकारी बन जाएगा, बस हमारे लिए इतनी दलील काफी है। मेरे भगवान जो खुश होते मेरे इष्ट देव प्रसन्न होते, मेरे परम पिता दान देने से प्रसन्न होते, तो ये मुझे बढ़ चढ़ के करना ही है, ये मुझे लगाना ही है, क्या कह रहे हैं, रियासत इबादत सखावत के काम करे पाक दाना के दिल को लगा, ये नहीं छोड़े जाना चाहिए, ये तो करना है, ये तो हमारे जैसे आंखें से देखना हम नहीं छोड़ सकते, हाय मुख से बोलना हम नहीं छोड़ सकते शाबाश, पैरों से चलना हम नहीं छोड़ सकते शाबाश, अन्न और जल का ग्रहण करना हम नहीं छोड़ सकते शाबाश, इस तरह यज्ञ दान और तप की तरफ भी हम नहीं छोड़, ये हमारे जीवन के विशेष अंग बन चुके, जब तक हमारे प्राण रहेंगे तब तक हम अपने आप को जुटाते रहेंगे लगाते रहेंगे, ये हमसे छोड़े ना जाएंगे, इनका करना तो हमारे लिए अनिवार्य है, नागजीर है, भगवान बड़े खुश होते हैं। अगर हम जहां तक कह दें कि ये नागजीर है इनके लिए, तो मुझे अपने आप को जुटाना ही है, मुझे इनके लिए अपने आप को लगाना ही है, इट इज बट नेचुरल, खुश हो गए। यज्ञ के बारे में हमने सुना कि क्या कर रही है, हाँ भगवान की भावना से कर दे, वो यज्ञ लो न हिंग लगी न फटकड़ी रंग भी चुका, कार्य कर रही है भगवान की भावना से कर, वो यज्ञ कला गया, अच्छा अब कर भी रही है और इधर एहसान समझे बड़ा भारी मेरे पर एहसान है, अब मैंने कुछ समय लगाना है, मैंने बुद्धि कुछ देनी, मैंने कोई मन देना विचार देने, मैंने तन द्वारा करना, मैंने धन है ओह दे के जाना, कुछ सेवा करके जानी, ये भगवान खुश, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, इट घर के दुक्कड़ बच्चे तत्ता रहे चुल्ला, नाले मेरा साई राजी ते नाले राजी गुल्ला, नाले अपना रब भी खुश ते नाले अपना तन भी खुश, और अपना जन्म भी सफल हो जाता है इन भले कर्मों से, भला कर्म करके कोई आज तक नहीं पछताया, बुरे कर्म करके तो अनेकों ने कान पकड़े और गिन गिन के नाक से लकीरें की, बुरे कर्म करने वाले तो पछताती है पर भले कर्म करने वाले तो भगवान बड़े खुश जुटे रहिए, ये ताप से बन सकता है मेरी देवी अपने आप जुटाए रखो लगा रखो, जैसे भगवान 18वें अध्याय पाठ में साथ ही साथ देखो मैं अगर तुम्हें अपना रही हूँ तब तो ठीक, अगर मेरे में कहीं कसर है तो मैं यही अभी पूरा करूँ, क्योंकि जिस गुरु का मैं बच्चा हूँ वो कहा करते नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अगर मेरे में कमी महसूस होती है कि ये बात कमी है तो नाउ अभी मैं अपने जीवन में इसे ले जाऊँ, अभी मैं यज्ञ में जीवन नहीं गुजार रही तो मैं यज्ञ में जीवन फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट मैं अपने मन में ले लूँ फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, और अगर मेरे से दान यानी दूसरों की सेवा नहीं बन पा रही तो इसी क्षण मैं अपने पक्का करूँ कि बस इसी क्षण से ही मैं कुछ न कुछ सबके भलाई में करता जाऊंगा, किस लिए करता जाऊंगा मुझे ये नहीं पता, मेरा लाभ होता ही होता हुआ ना हो मेरे भगवान से खुश होती।
जब महाराज जी ने अपने श्रीमुख से यह आज्ञा दी है बस वो खुश होते हैं, बस मुझे क्या। और आज तक हम जिंदगी भी काट रहे हैं दूसरी खुशी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, समाज के लिए, अब सृष्टि बनाने वाले भगवान की खुशी के लिए अब हम ये करें। चक्र वो आज्ञा दे रही है कि ऐसा करने से हाँ तेरा अंतकरण निर्मल होगा और तू मेरे दर्शनों के योग्य हो जाएगा। और